Assalamualaikum and a very good evening everyone. Lahore News की special transmission cricket जुनून के साथ मैं हूँ आपकी host आयशा शकूर. जनाब, we got our four teams that qualify for the playoffs. Lahore Qalandars, Multan Sultans, Islamabad United and Peshawar Zalmi. And if we talk about match number 28 of PSL season 8, Multan Sultans versus Quetta Gladiators, and what a game it was. कल फिर हमें records break होते दिखाई दिए. Fastest मैच एग्रीगेट भी हमें 515 रन्स का कल देखने को मिला. फास्टेस्ट सेंचुरी भी हमें देखने को मिली, उस पर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे. काफ़ी क्लोज मैच जा चुका था, चांसेस थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत जाएगा, बट इन द एंड इट वाज मुल्तान सुल्तान्स दैट वॉन द मैच. और इसी के साथ साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक दफ़ा फिर से प्ले ऑफ से बाहर चली गई. लास्ट ईयर भी यही सिनेरियो था. क्या वीकनेसेस रही उनकी टीम की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे. तो जनाब, आज का पहला मैच जो है वो जारी है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड. लास्ट ओवर चल रहा है, क्या सूरत हाल रहने वाली है ये भी जानते हैं. 22 स्कोर चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्या पॉसिबल है या नहीं ये भी अभी पता चल जाएगा. और आज का दूसरा मैच हमें देखने को मिलेगा, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स. जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के मैच की एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही ऑल्दो कराची लीग से आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी समहाउ एक्साइटमेंट होगी. तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. रहमान साहब, सबसे पहले तो हम कल के मैच पर बात कर लेते हैं. रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है पिंडी स्टेडियम अगर दो तीन मैचेस और होते ना, तो ये 300 रन के करीब किसी न किसी मैच में 300 रन भी बन जाने थे. जिस तरह क्रिकेट जा रही है तेजी के साथ, कल देखिए 260 और फिर 250 40 ओवर में 500 रन बन गए हैं. तो इसका मतलब है बॉलर कहेगा अगले मैच में, भाई मैं तो नहीं आ रहा. Exactly. आप कोई और बॉलर खिला रहे हो. Exactly, जैसी पिचे बना रहे हो, तो इससे तो बैट्समैन की मौज ही है. लेकिन अच्छी बात है कि जब आप वापस अच्छी पिचेस मिलती हैं फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, तो फिर वो अपना कमबैक कर लेता है. लेकिन जो क्रिकेट बैट्समैनों की तरफ से खेली जा रही है, वाओ, दोनों टीम्स की तरफ से एग्जैक्टली इतना टोटल हो के फिर चेज हो रहा है और उसके करीब जा रही है टीम में, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छी बैटिंग, ज्यादा चीजों पे फोकस किया गया है. लेकिन ये है कि कल जो उस्मान लड़के ने भी इनिंग्स खेली है, काबिल तारीफ है. जब आपका डेब्यू होता है तो फिर उसमें आप वो रिकॉर्ड तोड़े कि जो पहले बहुत बड़े लेजेंड्स ने बनाए हो, तो आके पहली गेम में. बिल्कुल जी, आज का मैच जो है वो खत्म हो चुका है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हार चुकी है जी. तो साथ साथ चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, लेट्स सी. तो दूसरा ये कि ऐसी चीज होनी चाहिए, जब आपको यंगस्टर को चांस मिलता है तो फिर अगर अपना परफॉर्म कर देते हैं तो फिर उनके लिए बहुत गेट्स ओपन हो जाते हैं. लेकिन इन परफॉर्मेंसेस के साथ साथ इतना ऊपर भी नहीं लेके प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए कि वापस लाना मुश्किल हो जाए. ये फ्रेंचाइज के लिए अच्छा होता है अगर आपको प्लेयर्स मिल गए, इनसे कैंप करवाएं, इनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, पहले इनको जांचें, फिर एक दो सीजन लगवाएं, फिर लेके आए. अगर 100 के बाद आप इतने बड़े कमेंट्स नहीं, इतनी बड़ी चीजें करेंगे, तो वेरी नेक्स्ट गेम अगर उससे रन नहीं होते या दो तीन गेम्स में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे. तो बेहतर यही होता है कि उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को करें. लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पीएसएल के लिए बहुत अच्छा है. जो आपने पिकिंग की होती है उसके ऊपर आपको एक तसल्ली होती है कि ये प्लेयर मैंने पिक की और देखे जी 100 बना रहा है. तो रहमान साहब, 4 बॉल्स पे 14 रन चाहिए, कुछ पॉसिबल होता नजर आ रहा है? हो सकता है, लेकिन इस मैच में भी इस्लामाबाद ने बहुत जल्दी की है. अब देखे इतने प्लेयर्स आउट होने के बाद भी 4 बॉलों पे 14 रन चाहिए, तो अगर इनकी पार्टनरशिप बीच में लगती तो ये मैच भी 18 ओवर में खत्म हो सकता था. इस ग्राउंड में 260 रन बन रहे हैं, तो 180 रन फिर उस तरह नहीं है. लेकिन आज के मैच में डे टाइम टर्न पिच थी, इसमें देखें कि स्पिनर्स को बहुत हेल्प आउट हुआ कि जिसकी वजह से पेशावर के स्पिनर्स को आप हेल्प आउट हुआ है. 3-4 आउट स्पिनर उनके मुनीब ने, कि मुकीब नाम है लड़के का जिसने आउट किए. तो मैं यही बात कर रहा था, कल भी हमने यही बात की थी कि जब इनके स्पिनर्स अच्छा रोल अदा करेंगे तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं मैच जीतने के. तो होप फॉर द बेस्ट, इस मैच से वो बूस्ट जरूर हुए होंगे. लेकिन आज के अगर इस्लामाबाद अपनी कोई भी एक पार्टनरशिप लगाता, मैंने 3-4 विकेटें गिरते देखी हैं. आसफ अली को आउट होते देखा है, उसके बाद हसन अली को आउट होते देखा है, शदाब को इतनी जल्दी आउट होते देखा है. लेकिन जब आपके पास इतना टाइम है, आपको पता है कि ये पिच है, इस पे 20 रन की एवरेज भी बन रही है, तो आपको 10 रन की एवरेज भी नहीं चाहिए, 9 रन की एवरेज चाहिए. तो फिर आप प्री प्लान करें, आप इतनी जल्दी इस चीज को खत्म ना करें. हाँ, अगर आपको एवरेजेस की जरूरत है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो फिर तेज क्रिकेट खेलने की जरूरत है. क्रिकेट खेलने की जरूरत है, बिल्कुल जी. 3 पे 14 चाहिए. खुरम शहजाद को चांस दिया, लास्ट ओवर भी वही करवा रहे हैं. मुश्किल है, क्योंकि जब आपके बॉलर्स के इधर कोई सेट बैट्समैन होता
कोई 30-40 पे खेल रहा होता या कोई ऐसा जिसने पिछले पूरे पीएसएल में रन किए, कोई ऐसा मैन अंदर होता प्लेयर्स को जो आपको पता है कि 3 छक्के या 2 छक्के लगा सकता है, लेकिन एक टेल एंडर्स के लिए बॉलर के लिए मुश्किल होता है कि आते ही 2 बॉल पे। तो ये क्रिकेट में क्रिकेट है, कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है अल्लाह ने इसको इज्जत देनी हो तो इससे भी 14 रन बन जाए। बिल्कुल जी, लेट्स सी क्या सूरत हाल होती है। दूसरा, बाबर आजम आज मैच नहीं खेले, कैटमोर को उनकी जगह जिम्मेदारियां सौंपी गई, तो उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? कैटमोर ने मैच जितवाया एज ए कैप्टन, जो भी है एक विनिंग मैच जितवाना एक अच्छी बात होती है, लेकिन बाबर को भी रेस्ट की जरूरत थी। मेरा ख्याल है वहाब खेले हैं कि नहीं, आई डोंट नो, वहाब भी आज का नहीं तो अच्छा, इनको आगे रेस्ट चाहिए क्योंकि काफी लंबी, वहाब पीछे भी बीपीएल कैरेबियन सब लीगें खेलते आ रहे, तो एक दो तीन दिन का गैप हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है, फिर आप जब नेक्स्ट गेम आते हैं तो आपकी पावर, आपकी एनर्जी लेवल टोटली डिफरेंट होता है। तो अच्छा रेस्ट मिला, उन्होंने अपने प्लेयर्स को चांस दिया और मैच भी जीत गए। तो ये फिर आने वाले टाइम में जितने मैचेस हैं ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैनेजमेंट है फिर इन चीज़ों पे वर्कआउट करती है कि हमें आने वाले टाइम में कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए, किस किस नंबर्स पे बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ों पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने बेंच को खिलाते हैं तो परफॉर्म करते हैं और आप मैच भी जीतते हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान भी चांसेस दे रहा है, देखें यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान पीएसएल के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही हमने देखा कि साइम जल्दी आउट हो गए थे लेकिन हारिस ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा अदा किया आज और 79 रन स्कोर किए। हारिस देखें कि आप उसको पहले ओपनर खिला रहे थे, वहाँ पे भी उसने कोशिश की परफॉर्म करने की, के साथ साथ पेशावर जलमी जो है वो आज का मैच जीत गई है, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी रहमान साहब। वाह जी वाह, इट्स अ गुड विन क्वालिफाइंग राउंड से पहले, बहुत बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस लेवल, और अच्छी बात है उनका एक फास्ट बॉलर फिट भी हो गया खुरम शहजाद, इसको बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि ये ऐसा बॉलर है इनको नए बॉल पे और डेथ आखिरी ओवर अच्छे करके देते हैं, तो उसका फिट होना इनके लिए अच्छा है कि नेक्स्ट गेम भी इनकी अच्छी होगी, लेकिन विनिंग इज विनिंग, आप जीत इज जीत है, इससे टीम का मोराल बहुत हाई होता है। जी अच्छा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि पेशावर की बॉलिंग जो है वो वीक है, तो खुरम के आने से वो उनका लूप होल जो है वो फिल हो चुका है। एग्जैक्टली, इनको खुरम के आने से भी लेकिन इनका शाकिबुल हसन के जाने से भी बहुत फर्क पड़ा, वो एक स्पिनर भी पूरा पैकेज है इनके पास, ऑलराउंडर पैकेज है, बहुत सारी टीमों के पास है, लेकिन वो पहले 2 मैचेस के बाद नहीं अवेलेबल, के 3 मैचों के बाद नहीं हुआ उनको, एक ये बहुत बड़ा लॉस था क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी करता है, आपको विकेट्स भी ले देता है, बैटिंग में भी वो गेम चेंजर है, आता है फायर वर्क अच्छा करता है, लेकिन एक एकदम से चले जाए फिर टीम में पे फर्क जरूर पड़ता है, दोनों चीजें वो करता है बैटिंग बॉलिंग, लेकिन खुरम के आने से इनको 100% जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि वो 4 ओवर आपके जब कंप्लीट बॉलर करता आके उससे प्रेशर जरूर बिल्ड होता है। बिल्कुल जी, तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिसके बाद आज का मैच जो है वो पेशावर जलमी ने जीत लिया है। हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप उस तरह से आज नहीं साथ दे पाया उनका, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाउ लेट्स कम बैक टू यस्टरडेज मैच, मैच नंबर 28, मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो इसी के साथ साथ पहले सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं, दी मोस्ट रिलायबल जी। कल छक्कों और चौकों की बरसात हुई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, टोटल 35 छक्के और 45 चौके लगे रहे तो। लेकिन ये है कि वही कह रहे हो, अगर पीएसएल के कुछ और मैचेस होते ना तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने थे, लेकिन अच्छा है कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए, कंडीशन चेंज होनी चाहिए, पिचेस चेंज होनी चाहिए, एक जगह दूसरी सिटीज में भी मैचेस हो रहे, ये सबसे अच्छी बात है कि आप होम एंड अवे भी खेल रहे हैं, आपको हर पिच का अंदाज़ा होना चाहिए, इससे ये फायदा होता है कि जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं अगर हमारी को होम सीरीज आती है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है, आपको आइडिया होता है इन पिचों पर हमने खेला हुआ है और ये कैसा खेलती है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन ये अब लाहौर आएंगे तो एक टोटली डिफरेंट कंडीशन मिलेगी, इसलिए एक बीच में गैप भी आएगा, एक आधा दिन टीम्स को रेस्ट भी मिलेगा, सब टीम्स के जितने भी प्लेयर्स हैवी प्लेयर्स हैं वो अपनी एनर्जी को स्टोर करेंगे आने वाले 4-5 दिन के लिए, उन्होंने अच्छा जोर लगाना है क्योंकि क्रिकेट जैसे इस्लामाबाद में 250-300 रन या 270 रन बन रहे हैं तो ये चांस कम होगा लाहौर में, क्योंकि लाहौर में माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको टर्न मिलेगा क्योंकि पिचेस ड्राई हैं, कंडीशन ऐसी है, आप देख ले आप पिंडी में भी टर्न होना शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल में कि लाहौर आपको एक आधी गेम के बाद जल्दी आपको टर्न मिलेगा कि जिससे स्पिनर्स को बहुत हेल्प आउट होगी और स्पिनर्स ही गेम विनिंग रोल अदा करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी के साथ साथ बॉलिंग पर आ जाते हैं हम, बैट्समैन के लिए तो बहुत अच्छी पिंडे की पिचेस थी लेकिन बॉलर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव रही हैं, एंड इफ यू टॉक अबाउट कैश उनको मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी रहे हैं, 77 रन पड़े हैं उनको कल। कुछ लोग बैटिंग में मशहूर होते हैं, मेरा ख्याल है बॉलिंग में मशहूर होगा, तो लेकिन ये क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम, ये चलती रहती है चीज़ें, नेक्स्ट गेम में यही बॉलर आपको हैट्रिक कर देगा, बॉलर 5 आउट कर देगा, तो हैट्रिक की बात कर रहे रहमान साहब तो पहले जाकर बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट सिटी।
हेयर इज द मैन अब्बास अफरीदी, टोटल 5 विकेट्स ली, हैट्रिक भी ली और इसी के साथ साथ पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हैं। मैंने आपको पहले भी शायद इसी ट्रांसमिशन में बताया है कि ये हबीब बैंक से भी खेल चुका है अंडर माय कैप्टनसी और उमर गुल के भांजे भी हैं। बिल्कुल, तो ये पिछले 3-4 साल से लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट इसके अलावा फर्स्ट क्लास में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टॉप विकेट टेकर भी है अभी। लेकिन जो उसकी विकेट्स हैं वो टेल एंडर आउट नहीं करता, वो आके ओपनर्स मिडल ऑर्डर बैट्समैन को अच्छा टफ टाइम देके आउट कर रहा है और इसीलिए वो बेस्ट बॉलर है। लेकिन ऐसे बॉलर्स की लुक आफ्टर बहुत जरूरी है। आप जितने भी ये बॉलर्स हैं आपको बैकअप चाहिए। जैसे हमारे टेस्ट मैचेस में लास्ट सीरीज ही 2-3 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, लेकिन अगर हमारी ये लाइनअप में बॉलर्स होंगे इनकी लुक आफ्टर की होगी, इनको प्रॉपर कैंप्स में, इनकी ट्रेनिंग्स पे, इनकी हर चीज पे फोकस किया जाएगा तो एनी टाइम ये अवेलेबल होंगे आपको। चाहे आप सीरीज खेल रहे हैं, चाहे आउट ऑफ कंट्रीज हैं, जहाँ भी हैं, तो अगर ये आपने बेंच बनाया होगा सेम एज इट इज, बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर, स्पिनर्स, ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लाइनअप में कि अगर ये नहीं होगा तो हम फौरन किसको खिला सकते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हम अगर ये दो बॉलर नहीं है तो हम किसको खिलाएंगे। Exactly. तो उस चक्कर में हमारी पूरी सीरीज निकल जाती है। अगर हमने अच्छे प्रोफेशनल, ये परफॉर्मर है, तो अगर हम इनको नहीं तैयार कर सकेंगे तो उनके नीचे जो किसी और के कहने पे आप तैयार करना शुरू कर देते हैं कि जो उनको अच्छा लगता है वो आ जाती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो ये बहुत चीज मैटर करती है। इसमें बहुत प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो सफर कर जाते हैं। Exactly. लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। लाइकिंग डिसलाइकिंग इज अ टोटली डिफरेंट मैटर। आपने खिलाना है, आप किसी और जगह खिला लें, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए कि जो मुल्क को जितवाए, जो आपके पीएसएल के ब्रांड में परफॉर्म करके आए, जो आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, सबसे पहला हक उनका है। फिर उसके बाद आप देखें कि हाँ ये हमारे यंगस्टर यूथ है, हम ये तैयार कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्मर साइड पे कर देंगे, यंगस्टर को खिला देंगे, एक उसके ऊपर भी प्रेशर, परफॉर्म नहीं होता तो फिर उसको आप घुमा देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक टेस्ट या एक वनडे खेले हैं उसके बाद नजर नहीं है, क्योंकि टू अर्ली फॉर देम। आप उसको जल्दी खिला देते हैं, आप उनको फर्स्ट क्लास जो परफॉर्मर है उनको पहले चांस दे, फिर आप देखें कि आपका बेंच, आपकी टीम कितनी तगड़ी होगी। हमेशा तब मैच डलता है कि जब बेंच पे अच्छे प्लेयर्स बैठे होते हैं, चाहे टूर हो चाहे होम सीरीज हो। अगर वो तगड़े हैं तो अंदर वाले 200% जान मारते हैं कि वो बहुत तगड़ा है, मैंने 19-20 किया, ही जंप इन, आई एम गोइंग आउट। तो ये चांस दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। आप ऐसी चीजें बनाएं कि जिससे सारी दुनिया में यही सेटअप कि आपके आप कई सीरीज ऐसी हैं जिसमें इंग्लैंड में 12th मैन लोकल गाय है, वो उसमें दूसरों को नहीं बुलाते, किसी भी प्रोफेशनल को, वो काउंटी क्रिकेट से किसी लड़के को बुलाते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कराते हैं, वो कहते हैं जी ये 12th मैन है। तो 11 लड़के ही फील्डिंग करेंगे, बहुत जरूरत पड़ी तो हम फील्डर ले लेंगे, लेकिन ये 90 ओवर यही खेलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि कुछ प्लेयर 10 ओवर बाहर बैठ जाते हैं, आज मैंने 100 किया, मैं अनफिट हूँ, 5 आउट की है, मुझे इंजरी है। तो ये चीजें क्रिकेट एज ए प्रोफेशनल इज नॉट सूटेबल फॉर एवरी सिंगल प्रोफेशनल। बिल्कुल जी। और रहमान साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स इस दफा फिर हमने देखे प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। लास्ट ईयर भी यही दो टीम्स थी। क्या बेसिक रीजंस हैं और क्या लगता है, हम डिस्कशन तो बहुत करते हैं इस बात पर कि बेसिक रीजंस ये हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर के लिए इनको क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में कि जो मेरी अपनी सोच है कि इसमें भी वही चीज है जो मैंने अभी कही कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग। जब आप ड्राफ्टिंग में बैठते हैं तो फिर आपने अपनी टीम के लिए सोचना है, नॉट मैंने अपने लिए नहीं सोचना कि ये मुझे पसंद है तो मैं इसको जरूर रखे। अगर वो इतना केपेबल है, अगर वो इतना है कि आपको मैच जितवा सके, आपको अच्छा टाइम, आपकी टीम में टीम गेम है ना, आपने टीम के लिए सोचना है। तो इसमें अगर बहुत सारी चीजें हैं कि इनकी दोनों टीमों में 3-3, 4-4 चेंजिंग ऐसी हैं कि जो आप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पिछले 5-6 साल से वही लड़के रोटेट कर रहे हैं, इन्होंने नए लड़कों को उस तरह चांस नहीं दिया। आप देखें मुल्तान, पिशावर, ये सब चांस देते हैं, नए लड़कों को जरूर पिक करते हैं। कलंदर्स का हम पहले परफॉर्मेंस नहीं थी, जैसे उन्होंने चेंजेस की परफॉर्मेंस आ गई, क्योंकि आपने चांस देना है, आप उन्हीं लोगों पर नहीं रिलाय कर सकते, क्योंकि आगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस है वेट फॉर चांस, वो नॉक कर रहे हैं डोर को कि हमें चांस दे। उस्मान को आपने कल चांस दिया, रन किए। लाहौर कलंदर ने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया, रन किए। साइम अय्यूब नए आए, चांस दिया, परफॉर्मेंस हुई। आपने एमल को खिलाया, उसने भी एक दो मैच में परफॉर्म किया। जान नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा हो गया। अच्छे प्लेयर्स हैं, इनकी लुक आफ्टर करें और यही आगे फ्यूचर है पाकिस्तान का। जितने यंगस्टर को चांस देंगे उतनी ही आपकी टीम बिल्ड होगी, उतनी ही आपकी टीम बिल्ड होगी। होपफुली इन परफॉर्मेंसेस के बाद कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा वर्कआउट करेंगे अपनी मिस्टेक्स पर। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। जी जनाब, अब आज के मैच पर बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, क्या सिनेरियो लगता है आपको? कराची किंग अपसेट, आपको पता है कि बहुत सारी, आज मेरे ख्याल में कि उनकी सारी
काफ़ी चेंजिंग हो सकती है, जिन प्लेयर्स को नई चांस मिले, कुछ यंगस्टर होंगे उनको भी चांस मिलेंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इनसाइड हैं उनको भी ज़रूरत है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है चल गेम वन और गेम लास्ट सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल की, एक गेम भी आपको कहीं से कहीं उठा के ले जाती है। और पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, 100 वाले भी पाकिस्तान खेल गए, 5 आउट वाले भी पाकिस्तान खेल गए, आफ्टर दैट दे नेवर परफॉर्म। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि आप अपने आप को कभी भी नीचे मत समझें, आप अच्छे हैं, अच्छे रहते हैं, परफॉर्मेंस की वजह से अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, लेकिन आप ये मत समझे, कोई भी प्लेयर हो, अपने आप को खुद ना समझे कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं प्लेयर ही नहीं हूँ, तो मैं अगले मैच भी नहीं कर सकता, फिर ये क्रिकेट का एंड है। तो आपने परफॉर्म करना है, रोज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, एक ना एक दिन आपका कनेक्ट ज़रूर होगा, फिर आपका थ्रू आउट सीज़न अच्छा जाता है। अब कुछ प्लेयर्स ने इसके बाद फर्स्ट क्लास भी खेलनी है, कुछ प्लेयर ने डोमेस्टिक और भी यंग प्लेयर अंडर 19 खेलनी है, तो ये आखिरी गेम में जिनको चांस मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस हो, हार जीत एक सेपरेट है, क्योंकि ये आउट ऑफ अभी PSL में नहीं है, लास्ट ईयर थे, लेकिन उन लाहौर के लिए एक अच्छी चीज़ है वो अपने प्रैक्टिस सेशन अच्छा करें, वो वैसे भी परफॉर्म में सारे, और जितनी भी उनकी टीम है वो अपना मोमेंटम अच्छा रखने के लिए वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अगर हार जाते हैं तो ज़रूर प्रेशर आता है, चाहे गेम कोई भी हो, हारने की वजह से बड़ी चीज़ें क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फॉर्म को उसी लेवल पर रखें और फिनिश भी उसी तरह ही करें। तो रहमान साहब, प्ले ऑफ के लिए फाइनल लेग जो PSL की होगी हमें देखने को मिलेगा, पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स वर्सेज मुल्तान सुल्तान्स और दूसरा पिशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब तो ये है कि गेम, पहला गेम अच्छा है मुल्तान और लाहौर का, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दोनों टीमों का मोराल भी हाई है, और अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, वो ब्रेन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जितने प्रोफेशनल्स हैं हमारे यंगस्टर को ज़रूर अंदर मशवरा देते हैं और वो मशवरा ज़रूर काम आता है, क्योंकि एक बंदे ने 150-200 T20 खेले, उसने कितनी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, कैप्टन भी इसमें बहुत सारे जो हमारे यंग प्लेयर्स के अंडर खेल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, प्ले ऑफ में भी चले जाते हैं, तो इन प्लेयर्स से बहुत सीखने को मिलता है, मैनेजमेंट इतनी तगड़ी होती है, तो आप जितना सीख सकते हैं, जितना अपने आप को बना सकते हैं, यही टाइम होता है। दोबारा हो सकता है इस तरह की पिचेस ना मिले जहां आपकी बैटिंग ट्रैक हो, जितने आप अपने बना सकते हैं रिकॉर्ड्स जरूर बनाएं। जिसी के साथ साथ फाइनल लेग आ चुकी है, बड़े मुकाबले हमें आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है खत्म। मुझे रहमान साहब को दीजिए इजाजत, विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।